वेलकम बैक टू अंकिता ने कान छसो। आज मैं आपको बता दिखाने वाली हूँ कि हम बैंगल से कैसे बनाएं कुछ भी रखने के लिए एक कटोरी टाइप्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हमें कुछ बैंगल्स चाहिए। आप देख सकते हैं, आप किसी भी कलर के बैंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस कलर के बैंगल्स का यूज़ किया है। और हमें कार्डबोर्ड चाहिए, पतला जैसा ही कार्डबोर्ड चाहिए हमें, ज़्यादा मोटा चाहिए नहीं। देख सकते हैं आप, मैं इस तरह के कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। फिर हमें सीज़र चाहिए और हमें ग्लू चाहिए और हमें कुछ डेकोरेटिव सामान चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ मोती का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे ऐसे फेबिकॉल से इसे चिपका लेना है फ्रेंड्स। ऐसे चारों साइड से ग्लू लगा देना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लू लगा देना है और इसे हमें ऐसे ऐसे चिपका देना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे चिपका दी। ऐसे कर कर के आपको सारी चूड़ियाँ को चिपकाने हैं। मैंने यहाँ पर 5 चूड़ियाँ ली है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको अगर बड़ा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 चूड़ियाँ ली हैं तो मैंने यहाँ पे 5 का ही बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसे यहाँ पर चिपका लिया है। मैं यहाँ पर इसे चिपका रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने इस दोनों को चिपका लिया है, ऐसे चिपका लिया, और बाकी सबको भी इसी तरह से ऐसे ग्लू लगा कर चिपकाऊँगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसे यहाँ पर चिपका लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर हमें इसे साइड में रख देंगे और फिर हम इसी नाप के किसी एक चूड़ी का गोल जैसा कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर किसी एक चूड़ी को ले रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे गोल जैसा ड्रॉ कर लूँगी और हमें इस तरह के 2 ड्रॉ करने हैं फ्रेंड्स, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए फ्रेंड्स। और अब हम इसे कट करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया। इस तरह के हमें 2 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 कट कर लिए। अब हमें इसे क्या करना है, छुरी के नीचे चिपकाना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर चूड़ी के नीचे इसमें हमें ग्लू लगा देना। ये नीचे साइड रख, तो आपको कलर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड साइड ऐसे लगा दूँगी फ्रेंड्स, और मैं इसे साइड साइड ग्लू लगा दूँ और उसके ऊपर से चूड़ी चिपका दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है फ्रेंड्स। और अंदर में आप वाइट कलर का पेपर लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो मैं यहाँ पर अंदर साइड में लगा रही हूँ, आप बाहर साइड में नहीं भी लगा सकते। तो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अंदर में लगा दिया है फ्रेंड्स वाइट कलर का पेपर। अब हमें मैंने जो दूसरा पार्ट कट कर किया था फ्रेंड्स, उसे हमें ऐसे लेना है फ्रेंड्स। और हमें कुछ कलरफुल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो कोई भी कलर का पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का पेपर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का पेपर मैंने यहाँ पर चिपका दिया है फ्रेंड्स, और उसके ऊपर से कुछ इस तरह के लेने हैं फ्रेंड्स, और हमें इसे चारों ओर से चिपका देना है। आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस कलर की यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो उसके बाद हमें एकदम थिन ही कार्डबोर्ड के, इस तरह के कार्डबोर्ड के ही हमें एकदम पतले से कार्डबोर्ड के पीस की जरूरत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरह के पतले जैसे कार्डबोर्ड के पीस को काट लिया है फ्रेंड्स। और अब हमें इसे इस चूड़ी के इस साइड में हमें चिपकाना है, इस साइड में। ओके फ्रेंड्स, जिस साइड से आपको लगाना है, मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है फ्रेंड्स। और इसे ध्यान रहे ऐसे मोड़ कर ही लगाएं ताकि इसे खोलने और मुड़ने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर ग्लू से चिपकाऊँगी, इससे आप सभी क्विक से, सेलो टेप से, किसी चीज़ से भी चिपका सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर चिपका दिया है। मैं यहाँ पर इस सेलो टेप का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मजबूत रहे और ये टूटे ना फ्रेंड्स। और जो हमने इसका ऊपर वाला तैयार किया था, अब हमें इसे इस तरह का यहाँ पर लगाकर और ग्लू लगा देना है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ ग्लू लगा रही हूँ फ्रेंड्स, और इसके ऊपर से इसे चिपका देना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका यहाँ पर फेबिकॉल का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो
फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे चिपका दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लग रहा है, ये बस चूड़ी से बना है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रहा है, वो भी वेस्ट बंगाल से। आप चाहें तो यहाँ पर कलर पेपर भी चिपका सकते हैं, लेकिन मेरे सब एक कलर के चूड़ियाँ थी तो मैंने यहाँ पर कलर पेपर नहीं लगाए। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सिर्फ कुछ मिनटों में ये बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस पर कुछ रबर बैंड्स रख रही हूँ, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रबर बैंड्स रख रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।